ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है हमने लिया है क्लास 7 मैथ के लिए चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का प्रबंधन। तो चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का प्रबंधन, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या होता है आंकड़ा। आंकड़ा वो चीज़ होता है जैसे कि कोई चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हम गेम खेल रहे हैं, हमारे जो नंबर्स हो गए, कुछ भी हो गए, उनको क्या करना, उन आंकड़ों का प्रबंधन, मतलब सही तरीके से रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, आंकड़ों का प्रबंधन। जैसे सबसे पहले हम कहते हैं आंकड़ों का संग्रह, हमारा जो पहला पॉइंट है जिस पे बात करने वाले हैं वो है आंकड़ों प्रबंधन, या ऐसे बोल सकते हैं आंकड़ों का संग्रह। तो आंकड़ों का संग्रह, तो क्या ज़रूरत पड़ी आंकड़ों का संग्रह करने की, या क्या होता है आंकड़ों का संग्रह, ठीक है। तो इसी पे हम बात करेंगे। तो यहाँ से आंकड़ों का संग्रह का मतलब, जैसे कि हमने लिख दिया मान लो, तो यहाँ पे मान लो हमने क्या किया अपनी क्लास में, क्लास सिक्स में हमने कुछ मार्क्स पाए, मान लो मैथ में हमने मान लो 50 नंबर पाए, इंग्लिश में मान लो कुछ 45, और हिंदी में मान लो 48, कुछ ऐसे नंबर्स मिले हमारे हमारे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंकड़ा, ठीक है। तो हमने इस आंकड़े को हमने क्या किया, कलेक्ट किया। अब वो कलेक्ट क्यों किया इसके बारे में देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा आंकड़ों का संगठन, दूसरा पॉइंट है आंकड़ों का संगठन। तो यहाँ से हमने पहले पॉइंट को देखा मैथ का, जैसे कि हमने किया क्लास में हमने नंबर्स तो मिला, तो उन्हें हमने संग्रह क्यों किया, क्योंकि हमें ये जो फ्यूचर में होगा हमारे कितने आए थे कितने नहीं आए थे उन सब चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। हमने क्या किया, आंकड़ों का संग्रह किया, और आंकड़ों का संगठन क्या करें, उनको सुव्यवस्थित ढंग से अगर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। मान लो हमारी क्लास में कंपेरिजन हो रहा है, तो मान लो ये हो गया रोल नंबर या अनुक्रमांक नंबर हो गया, और यहाँ पे नेम, जो बच्चों के नेम हैं, और इसके बाद उनके मान लो सब्जेक्ट क्या थे, और इसके बाद उन्होंने मार्क्स पाए कितने और कितने में मिला, मान लो टोटल कितना मार्क्स था, टोटल किस मार्क, मतलब इसमें आंकड़ों को संगठन यानी टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, या उनको सुव्यवस्थित और एक बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करना, जिससे कि सारी चीज़ें समझ। मान लो रोल नंबर वन उसका नाम मान लो कुछ अविनाश है, वो सब्जेक्ट मैथ में मार्क्स पाता है मान लो 50, और टोटल है मान लो 100, ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 2 है, मान लो उसका नाम है अनुराग, वो मैथ में पाता है मान लो 60 out of 100, ठीक है। तो ये रोल नंबर 3 है, ये मान लो शैलेश है, ठीक है, ये मैथ में पाता है 70 out of 100 में। तो इस तरीके से जो मार्क्स पाते हैं उनको एक सुव्यवस्थित ढंग से रिप्रेजेंट करना एक टेबल फॉर्म में, जिससे कि हमारे फ्यूचर के लिए हमें क्या करें वो सेव रखे, तो वो होता है आंकड़ों का संगठन, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रतिनिधि मान, ये क्या होता है प्रतिनिधि मान, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन वैल्यू, ठीक है। तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है, जैसे कि हमने क्या कर दिया, मान लो हम पर डे 6 आवर एवरेज पढ़ते हैं, 6 आवर पर डे क्या करते हैं, रीड करते हैं।
ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम डेली 6 आवर नहीं पढ़ते हैं, कभी मान लो 4 पढ़ लिया, कभी 5 पढ़ लिया, सॉरी कभी 4, कभी 5, कभी 5:30, कभी 6 पढ़ लिया। तो ऐसे हमारी चीज़ें क्या करती हैं, बैरी करती रहती हैं, मतलब डेली क्या करें, डेली वैल्यू क्या करती है, चेंज करती रहे, ठीक है। या कुछ कांस्टेंट है, फिर मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से हो जाए, तो उसे बोलते हैं एवरेज या औसत। तो यहाँ पे जो औसत होता है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का क्या होता है, समेशन का हाफ होता है, तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा औसत। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ये नंबर क्या होता है, एवरेज आता है, ठीक है। तो ये प्रतिनिधि मान रिप्रेजेंटेशन वाले, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केंद्रीय केंद्रीय प्रवृत्त, केंद्रीय प्रवृत्त जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रल वैल्यूज। तो हम इसको सेंट्रल वैल्यूज के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रतिनिधि बात यहाँ समझ में आया, रिप्रेजेंटेशन वैल्यू तो हम किस में करेंगे, केंद्रीय प्रवृत्त फॉर्म में। तो यहाँ सबसे पहले एक बार फिर से हम देख लेते हैं, आंकड़ों का संग्रह, जो भी वैल्यू मिली ऑब्जर्व किया वो सबको इकट्ठा कर लिया है। आंकड़ों का संगठन उन्हें सुव्यवस्थित रूप से ढंग से रिप्रेजेंट सॉरी सुव्यवस्थित रूप से उन्हें संगठन कर लिया। प्रतिनिधि वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन वैल्यू कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या करते हैं, एवरेज जो आता है वो क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच आता है, इसलिए उसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति में के रूप में उसे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आता है हमारा होता है औसत मान। औसत मान तो हमने बता दिया, एवरेज वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर 4 है अंकगणितीय माध्य, या इसको बोलते हैं समांतर माध्य, ठीक है, अंकगणितीय, ठीक है। तो अंकगणितीय माध्य को आप अंकगणितीय माध्य बोलो या इसी को सिर्फ माध्य बोलो, दोनों बातें एक है, ठीक है। इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं मीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीन होता है ये क्या होता है, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू जितना आती है उसका सम कर लेते हैं, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल वैल्यू जितने नंबर्स होंगे, ऑब्जर्वेशन होंगे, उसका क्या करोगे, जोड़ लोगे, और जितने तरीके के ऑब्जर्वेशन किए रहोगे, आंकड़े जितने तरीके के होंगे उनसे डिवाइड कर दोगे, तो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं क्या, माध्य या मीन इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हो गया माध्य या मीन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके बाद हम कुछ उदाहरण लेते हैं जो कि दिया गया है। तो उदाहरण नंबर 1 देखते हैं, उदाहरण नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 1 में देखते हैं क्या लिखा गया है। इसमें बोला गया है आशीष आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है, 3 घंटे क्या करता है, पढ़ता है। तो बोला गया है उसके प्रतिदिन, उसके प्रतिदिन का प्रतिदिन पढ़ने पढ़ने का औसत औसत क्या होगा, क्या है, ठीक है। औसत क्या है इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया आशीष 3 क्रमागत, 3 क्रमागत मतलब 3 दिन लगातार, दिनों में क्रमशः,
पहले दिन क्या पढ़ता है, 4 घंटे, दूसरे दिन 5 घंटे, तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ता है, ठीक है। तो पढ़ता है तो उसके बाद बोला गया प्रतिदिन पढ़ने, अगर उसने पहले दिन 4 घंटे पढ़ा है, दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ा है, तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ा है, तो इसमें बोला गया एवरेज, मतलब पर डे कितना पढ़ता है, मतलब एक दिन में कितना पढ़ेगा अगर हम एवरेज पूछें। तो हमने कहा कि जो औसत वैल्यू होती है, जो औसत मान होती है, वो किसके बराबर होती है, पढ़ाई में लगाया कुल समय डिवाइडेड बाई दिनों की संख्या, ठीक है, दिनों की संख्या। तो यहाँ पे देखो पढ़ाई में लगाया गया कुल समय कितना है, पहले दिन 4 घंटे, दूसरे दिन 5 घंटे, तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ता है, तो टोटल कितने घंटे है, 1, 2, 3, टोटल 3 दिन पढ़ता है। तो यहाँ से 5 और 4 9, और 9 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 बाई 3, तो कितना आ जा रहा है, 4 घंटे, मतलब 4 घंटे वो पर डे पढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एवरेज वैल्यू, तो 4 घंटे वो पर डे पढ़ता है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे, जो हमने बताया जो औसत वैल्यू होती है, औसत औसत मान जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू यानी सबसे बड़ी जो दिया हो गया, सबसे बड़ी वैल्यू प्लस सबसे छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, अगर ऐसा कर दोगे तब भी आंसर आएगा। तो सबसे बड़ी यहाँ पे क्या है, 4 5 3, 4 5 3 पे कौन सबसे बड़ा है, 5 है, सबसे छोटा कौन है, 4 5 3, तो 3 है डिवाइडेड बाय 2, 5 और 3 कितना हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से भी आ जाता है 4 घंटे। तो आप चाहे ऐसे सॉल्व करो या फिर ऐसे सॉल्व करो, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से बोला गया एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में, टोटल कितने हैं, 6 पारियों में खेला है, 6 पारियों में निम्नलिखित संख्याओं में रन बनाए, तो किसने कितना बनाया, 36 35 50 46 60 और 55 रन बनाए। तो उसने बोला एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो वो एक पारी में कितना बनाया है उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, माध्य का सबसे पहले फार्मूला लिख लो। तो माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है, टोटल वैल्यू, जो टोटल वैल्यू दे रहे हैं उनका सबका सम, यानी 36 35 50 46 प्लस 60 और प्लस 55, इनका समेशन डिवाइडेड बाय, टोटल कितने हैं, 6 हैं, 6 पारियों से डिवाइड कर दिया, अगर इनको ऐड करोगे तो कितने आएंगे, ये टोटल आएंगे 282, ठीक है, अगर ऐड करोगे 282 आएगा डिवाइडेड बाय 6, तो इनको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, देखो 6 6 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7, यानी कितना हो जाएगा 47, तो आ जाएगा इसका माध्य कितना आ जाएगा 47, तो मतलब एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य कितना होगा 47, यानी 47, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, इसके बाद हमारा क्या है, एक्सरसाइज है, तो आप इसके बाद एक्सरसाइज करोगे, और इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल और करा देते हैं, एग्जांपल नंबर 3, तो ये एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम बता रहे हैं, तो अब देख लो कैसे है। तो इसमें बोला गया एक स्कूल के 10 अध्यापकों, एक स्कूल के टोटल कितने हैं, 10 अध्यापकों के वर्षों की क्या लिखी गई है, आयु कितनी कितनी लिखी है, 32 वर्ष, 41, 28, 54, 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 40, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, 10 अध्यापक हैं, उनके वर्ष की उम्र इस तरीके से लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की उम्र क्या है तथा सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है। तो यहाँ पे देख लो सबसे बड़ी उम्र किसकी है, तो सबसे बड़ा क्या है, 32, 41, 28,
54 35 26 33 23 33 38 40, इसमें तो सबसे बड़ी कौन सा है? 54। नंबर 54 सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा देखो तो ये हो गया 32 41 28 54 35 26 23। तो इसमें जो सबसे छोटा है 23, यानी जो सबसे बड़ी, तो सॉल्यूशन जो हो जाएगा, अगर हम सबसे बड़ी उम्र की बात करें, जो सबसे बड़े अध्यापक उम्र की है, सबसे बड़ी उम्र कितनी है? 54 वर्ष है, ठीक है। और सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी उम्र, सबसे छोटी उम्र कितनी है? 23, 23 वर्ष है, ठीक है, सॉरी 23 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो सॉल्यूशन किसका था? क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं, इसमें क्या बोला है? अध्यापकों की आयु का परिसर। एक बात हमने भूल गया बताना, परिसर क्या होता है। ये क्या होता है? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी जो वैल्यू निकल के आती है उसी को हम बोलते हैं परिसर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है परिसर, तो यहाँ से जो परिसर निकालेंगे वो होगा बड़ी वैल्यू यानी बड़ी उम्र माइनस छोटी उम्र जो दे रखी है, छोटी उम्र। तो बड़ी उम्र कितनी है? 54 वर्ष है, माइनस सबसे छोटी कितनी है? 23 है। तो इन दोनों का डिफरेंस करके निकालोगे तो कितना आएगा? 31 वर्ष। तो कितना आएगा? 31 वर्ष। तो इसका आप आंसर कितना हो जाएगा? 31 वर्ष। पहले का हो गया 54, 23 और दूसरे का हो गया 31 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सॉल्यूशन इसका। इसमें बोला गया है इन अध्यापकों का क्या निकालना है? माध्य निकालने का भी मैंने फार्मूला बताया था। माध्य जो होता है, जो टोटल वर्ष की उम्र दे रखी है उनको सम कर लो, तो कितने कितने हैं? 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 प्लस 40। इन सबको सम कर लिया, इन सबको जोड़ के डिवाइड किसने करना है? कितने टोटल थे? टोटल 10 थे, तो 10 से डिवाइड कर लो, ओके। तो देखो इनको जोड़ोगे आप, तो इन जोड़ों को जोड़ने के बाद सबको तो आएगा 350, और नीचे 10 सही है, 10 जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 35 वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 35 वर्ष। यानी हमने सबसे बड़ी उम्र देख ली, सबसे छोटी उम्र देख ली, परिसर देख लिया, माध्य देख लिया, तो हमारे पास ये सारे के सारे क्या हो गए? आंसर आ गया। तो ये जितने एग्जांपल थे, ये दिए थे एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, हमने सारे एग्जांपल कर लिए। अब आपको एक्सरसाइज करना है प्रश्नावली 3.1। आप प्रश्नावली 3.1 करिए, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करके बताइए, और नहीं तो हम फिर क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम प्रश्नावली 3.1 पे क्या करेंगे बता देते हैं। प्रश्नावली 3.1 पर जो हमारा वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो होगा प्रश्नावली 3.1 पे, ठीक है। तो आप देखिए और समझिए और करिए, ठीक है, ओके, बाय बाय।